Thank you so much. Thank you. आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ. Thank God, Satya. सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है. मैंने सोचा भी नहीं था कि करीना इस तरह प्रॉपर्टी पेपर साइन करवाएगी. लेकिन मुझे लगता है हमें ये ड्रामा कुछ दिन और एक्सटेंड करना पड़ेगा. तब जाके तुम प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा पाओगे. और सत्या, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं, वो कम ही होगा. कैंसर? जी सत्या जी, इन्हें बोन मैरो कैंसर है. हमने आपको इसीलिए कॉल करके यहाँ बुलाया है कि इनका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करना बहुत जरूरी है. हाँ तो आप बताइए हम क्या कर सकते हैं. मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. देखिए सत्या जी, इसका तो एक ही तरीका है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट. लेकिन इसके लिए हमें डोनर ढूंढना पड़ेगा. हाँ तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, मैं बनूंगा डोनर. मामी दीदा छोड़िए, क्या कर रही है आप ये सब? दादू मम्मी छोड़िए, उठिए. कोई काम नहीं करेगा घर में इस तरह से. काम तो इन्हें करना पड़ेगा, वरना मुफ्त में मैं तुम सब लोगों को अपने घर में क्यों रखूंगी? डालिंग, बेबी तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगी. तुम तो सिर्फ मेरी सेवा के लिए हो. पर हाँ, ये लोग ये घर के कामों से बच सकते हैं. बस मेरी छोटी सी बात मान, जिस तरह तुम्हारे दादाजी ने प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन किया है, उस तरह तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके मुझसे शादी कर लो. तुम्हारे मोहताज नहीं हम लोग, खुद को पाल सकते. ये सच है खुराना साहब, सत्या ने हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया है. वो यहीं रहेगा करीना के पास, उसे यहाँ की ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए. हमारे साथ वह झोपड़े में नहीं जाएगा वो. अरे सच कह रही हूँ मैं, मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पूछ लो माई से. क्यों माई, सच कह रही हूँ ना मैं. लो सत्या आ गया, खुद ही पूछ लो उससे. कारण जल्दी से अपना सामान बांधो. वी have to leave this place right now. दादाजी कितनी आसानी से आपने कह दिया सामान पैक करो और चलो यहां से. अरे क्यों चले, ये हमारा घर है, उस करीना का घर थोड़ी है. आपका घर है, आपने अपनी मेहनत से बनाया, मेरे बाबा ने अपनी मेहनत से बनाया, ये मेरी जायदाद है, मेरा घर है. ये क्यों छोड़ के चला जाऊं मैं? सारी जिंदगी चौल में बिताई है मैंने, क्यों यहां आया हूं? इसलिए कि वापस चौल में चला जाऊं? क्या बात कर रहे हैं दादाजी, चौल में रहना क्या होता है आपको मालूम भी है. खाने से लेकर पानी से लेकर सांस लेने तक की किल्लत है वहां पे, हर चीज के लिए लाइन लगानी पड़ती है. मुझसे ये सब वापस नहीं होगा. अगर तुम्हें यहां रहना है तो तुम रहो सत्या, बट हम लोग इस औरत के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते. तुम्हें तुम्हारा ऐशो आराम मुबारक हो.
कौन है वहां? सत्या, तुम हो ना? देखो बाहर आ जाओ, मेरे साथ मजाक मत करो, बाहर आ जाओ। सत्या नहीं, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ खुराना, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। इस घर की एक एक चीज मेरी है, ये जायदाद सब कुछ मेरा है। पहचाना मुझे? तुम्हारी माँ मुझे अच्छी तरह जानती थी शबनम। बार बार उसने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की और हर बार ये सिद्धार्थ खुराना उसके सामने खड़ा रहा। और आज तेरे और मेरे परिवार के बीच यही सिद्धार्थ खुराना खड़ा है। क्या लगा मर गया सिद्धार्थ? इतना बड़ा फैसला तुम लोगों ने कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। दादू, आप अपने पोते पर भरोसा कीजिए, मेरा यकीन मानिए। उसके लिए आसान नहीं था दादू ये सब करना। सत्या का मन जानता है कि उसने ये सब कैसे किया, और उसने किया भी तो सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, घर वालों के लिए। सत्या पर भरोसा कीजिए दादू। माई मदर, फोन कर उसको, पता कर मुंडा ठीक है कि नहीं। नहीं दादू, अभी फोन नहीं कर सकते सत्या को। क्यों? अगर उसे कॉल किया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अगर करीना उसके आसपास भी रही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और मम्मा थोड़ी देर में फोन करके सब अपडेट कर देंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक होगा, सब कुछ। सत्या, सत्या, देखा भालजी, मैंने आपसे कहा था ना वो अपने कमरे में नहीं होगा, वो ये सब कुछ करे, वो मुझे डराने की कोशिश करे। मैंने आपसे कहा क्या? अब क्या पत्नी कमरे में नहीं तो फायदा उठाने चली आई? सत्या, अरे पागल लड़की, यहाँ कॉपीराइट रिजर्व्ड है, समझाइए, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो करीना, लेट्स गो, इट्स ओके। पर ये कैसे? इट्स ओके लड़का, मैं ही समझा करूँ। गार्ड्स आ गए हैं और 24 घंटा सत्या पर नजर रखने वाले हैं। इस तरह सत्या अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। सत्या अकेला नहीं है, अब तू मेरा प्लान सुन। दादाजी यार, आप तो कमाल के शातिर इंसान निकले, मुझे यकीन है ये प्लान जरूर काम करेगा। वैसे एक बात बताइए दादाजी, इस उम्र में ऐसी कौन सी गोली खाते हैं आप कि आपका दिमाग जो है घोड़ों से भी ज्यादा तेज दौड़ता है?
वो मार खाएगा अब तू। और तेरे बाप को ट्रेंड किसने किया था? तेरे दादा ने। अब तेरा नंबर है, समझा? समझ गया दादाजी, सब समझ गया। अनुपमा, हेलो। हेलो, काट दियो, कनेक्शन नहीं हो। पायल जी, इतने वक्त से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, और इस सत्या को देखो बैठकर मजे ले रहा है। क्या करें? मेरे पास एक प्लान है, ये लो स्लीपिंग पिल। ये स्लीपिंग पिल ना सत्या को एक जूस में मिला के पिला दो, और वो पीने के बाद सो जाएगा। फिर हम सत्या को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। अगर उस वक्त उस दौरान कोई एक्टिविटी नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि इस सब के पीछे सत्या ही है, और अगर नहीं हुआ तो क्या? अच्छा आइडिया है। बिल्कुल मैडम, ये लो सर, ये लीजिए। इधर आ। जी मैडम। तुम भी आओ, जल्दी से उसे उठाओ और कमरे में बंद कर दो, और कुंडी लगा देना, ठीक है? बिल्कुल। आराम से। सासू मम्मी का प्लान अब तक तो काम कर रहा है। I just hope कि आगे भी सुपर हिट रहे। लगता है कुछ गड़बड़ है। ज्यादा होशियारी की ना तो खून पे जाऊंगी। ए, मुझे मत डराओ, मेरी बीवी रोज मेरा खून चूसती है, पता है क्या? ए, ए, चल चल चल। तुम लोग की बदमाशी खत्म होगी तो चलो काम पे फोकस करो। गार्ड्स उठ गए ना तो लेने के देने पड़ेंगे। चलो चल। अच्छा वो तो मुझे मिल गई। मैं ना बहुत मुश्किल से छुपते छुपाते तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे ना तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी। मुझे ना लगता है ना कि आपकी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाँ, करीना करते करते अंदर आ गई। आपको ना मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। आप बिन पैंदे के लोटे हो, कभी इधर कभी उधर। आप पे मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। करीना,
मुझे तो पूरा शक है, ये जो कुछ भी हो रहा है ना इसके पीछे ये है। पायल जी, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे, ये सब कुछ इन्हीं का किया धरा है, मनुज का ही। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, झूठ बोला, फरेब किया अपने घर वालों से, और तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। ना उम्र देखी मेरी, ना हैसियत। गार्ड्स, गार्ड्स, इसे बाहर निकालो यहां से, और ये मेरे घर के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। ए, चल चल बोलो तेरे को। अब ठीक है, करीना, जिस घर की छत के नीचे तुम खड़ी हो, इस घर की एक परंपरा है, यहां बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत की जाती है, और जब तक इस घर की दीवारें खड़ी रहेंगी, इस घर की यह परंपरा बनी रहेगी। दादू मम्मी ने हजारों गलतियां की हैं, मगर दादू मम्मी उम्र में मुझसे भी बड़ी हैं और तुमसे भी, तो अगर तुम्हारे इन टट्टुओं ने इन पे उंगली भी उठाई तो मैं उंगली समेत इनके हाथ पांव तोड़ दूंगा और बचे कुचे शरीर को यहाँ इस घर में दफना दूंगा और तुम्हें उठा के इस घर के बाहर फेंक दूंगा, और इतना तो तुम जानती हो। कैसी जगह है, मैं नहीं यहां रुक सकती। मैं करीना, करीना बच जाओ। यही सही जगह है, ये जो है ना, ये तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व कर देगी, बहुत अच्छी, ये सब ठीक कर देगी। बैठो, बैठो। बैठ गई। हमारा उद्धार सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और वो है हम। दांडवी माता, कौन है हम? दांडवी माता। बोलो तांडवी माता की जय। तांडवी माता की जय। तांडवी माता की जय। करीना नाम है ना तुम्हारा? हाँ हाँ हाँ। पायल जी, इन्हें तो मेरा नाम भी पता है। सिद्धार्थ खुराना से परेशान है ना? वैसे एक बात कहे, नहीं बच पाएगी तू। पायल जी, हाँ, वो तुझे मार डालेगा। अगर तुझे कोई बचा सकता है तो वो है तांडवी माता। बोलो तांडवी माता की जय। तांडवी माता की जय। मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ, और जो कुछ भी मैंने तुम लोगों से लिया है, ये घर,
तुम्हारा बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ मैं तुम लोगों को वापस देना चाहती हूँ। तुम जल्दी से उन्हें फोन करके बुला लो, ठीक है? हाँ, बुला लूंगा। अबे साला। जी मामा। माही पत्थर, क्यों है? करीना घर से जाने के लिए मान गई है। अरे अरे वाह, उसने हमसे जो कुछ भी लिया है वो वापस करके जाएगी। वो कमाल हो गया, और तूने तो डरा दिया था है? हम जीत गए। ओ पुत्र, ओ ये तो बड़ी खुशी की खबर है। ओ भाई म्यूजिक शूजिक लगाओ और पगड़ा करो कुछ है। ओए, तुझे भी एक्टिंग का भूत सवार हो गया मैं इतना? अरे और मेरी मिठाई? आपकी मिठाई मेरे हाथ में, आपका बस चले तो पूरा प्लेट ना खा ले आप। नहीं बस इतना। आपका मुंह मीठा करना तो बनता है, आपके बिना ये सब कुछ कैसे हो पाता? थैंक यू। मामी दीदा। हाँ लट्टू मेरा पेट। ये ध्यान से कहीं पेट ना दर्द हो जाए तेरा। हाँ ये लो सर्वनाश। ले लीजिए दादू मम्मी। तू भी खा। अरे मेरा फोन। मेरा पासपोर्ट। ओह गॉड, आई थिंक मैं अपना पासपोर्ट घर पे ही भूल के आ गई। वापस घर जाना पड़ेगा। ड्राइवर एक काम करो, गाड़ी घुमा लो, घर चल रहे हैं। हाँ मैडम। आप लोगों ने बड़े कमाल की एक्टिंग की। वो तो है। ओह खुराला साहब, मेडल तो मुझे ही मिलना चाहिए, मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको। खुराना साहब, मैंने जो तांडवी माता की एक्टिंग की ना, जो मैंने उससे झाड़ू मार मार के उसका भूत उतारा है ना, वाह 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 वाह, मैं तो कहती हूँ खत्म ही नहीं होना चाहिए, टू बी कंटिन्यू। मजा ही आ रहा था मुझे तो सच्ची। बिल्कुल सही कहा दादू मम्मी आपने। उसने जो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, उसके बदले तो ये कुछ भी नहीं। और आखिर हमारी जीत हुई तो सेलिब्रेशन तो बनता है। बिल्कुल, हम सब जीत गए तो पार्टी तो बनती है। एकदम ठीक बोलो छो, मैं ना बाहर से म्यूजिक सिस्टम मंगवाती हूँ, है ना? पार्टी है, नाच गाना तो बनता है, है? क्या बात है, ये सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं, गाना बजाना भी हो रहा है, आखिर ये माजरा क्या है? देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। फोन को साइलेंट पे किया, कैसे करम करें कुछ जानो में पता नहीं, जितनी बार तुम्हारे करीब आता हूँ या कमी ना। मैडम हेलो, और लो नेटवर्क भी नहीं आ रहा, बाहर जा रहा हूँ। अरे आवाज़ नहीं आ रही भाई। हेलो हेलो हेलो, माही, मामी दीदा, मामी दीदा, दादू मम्मी, माही, ढूंढते रह जाओगे सत्या, नहीं मिलेगी तुम्हारी माही। इनफैक्ट माही क्या, कोई भी नहीं मिलेगा, सब लोग मेरे पास हैं, मेरे कब्जे में। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या करोगे। जाओ बुलाओ अपने पापा जी के भूत को।